ओके, वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड। हाँ हाँ यस सर, नेचुरल जो बनी थी, है ना। यस सर। नेचुरल कैसे बनी थी, देखो मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ कि टेटिकम एस्टिमम इज नेचुरल एलो पॉलीप्लॉइड। और इसका जो जीनोम था ना, बेसिकली वो इस तरह से था, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल डी कैपिटल, सॉरी कैपिटल डी कैपिटल डी, इस तरह से। एंड इसको हम लिखते थे 2n = 6x + 42, 6 सेट है यहाँ पे। तो तीन आप देख रहे हैं डिफरेंट किस्म के जीनोम यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि तीन डिफरेंट स्पीसीज से आए हैं। दीज थ्री जीनोम आर डराइव्ड फ्रॉम थ्री डिफरेंट डिप्लॉयड स्पीसीज सच एज ट्रिटिकम एजिलोपॉइड्स (2n = 14) एजिलोप्स स्पेल्टॉइड्स (2n = 14) वंस अगेन। एजिलॉप्स स्क्वेरसा कैपिटल डी 2n = 14। ओके, तो ये तीन डिफरेंट प्लांट थे जिसके फ्यूजन से हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम बना था नेचुरली। ओके ये नेचुरल फॉर्मेशन हुई थी इसकी। तो दिस इज हाउ इट फॉर्म्ड। तो ये हमारा सेकेंड टाइप था एक्चुअली। तो ये हमारा एलो पॉलीप्लॉइड इज मोस्ट डिफरेंट, ये थोड़ा डिफरेंट भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, हल्का सा मुश्किल है, मुश्किल तो मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, बट ये एक्चुअली बेसिकली मतलब इम्पोर्टेंट है ये, काफी सबसे लेंथी पार्ट भी पॉलीप्लॉइडी का यही होता है। देन ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी की अगर हम बात करें, लास्ट केस हमारा क्या है, अब हम थर्ड टाइप अगर हम पढ़ें अपना, थर्ड टाइप हमारा है ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। इसको कई बार हम सेगमेंटल पॉलीप्लॉइडी भी कहते हैं, समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल इट सेगमेंटल पॉलीप्लॉइडी। ओके, तो इसमें एक्चुअली इन दोनों का मिक्स है ये, इसमें ऑटो पॉलीप्लॉइडी भी होती है और एरो पॉलीप्लॉइडी भी होती है, मतलब जो आपने पहली दो टाइप्स पढ़ी उनका इंटरमीडिएट है ये। दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन द फर्स्ट टू टाइप।
The first two type. क्लियर बात? यस सर। ओके, तो इसमें ऑटो पॉलीप्लोइडी भी देखने को मिलती है। सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम भी रिपीट होते हैं, साथ के साथ इसमें डिफरेंट जो क्रोमोसोम है वो भी रिपीट होते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, इसका एग्जांपल डेकाप्लॉइड रेटिकल है, डेकाप्लॉइड रेटिकल। अब जिसमें क्या होता है कि इस तरह से टेन डेकाप्लॉइड का मतलब क्या होता है, टेन ठीक है ना। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि ए बी डी, ये जो ए बी डी है इसमें ब्रेड बीट का जीनोम है। ये जो ए बी डी है यहाँ पर, ये ब्रेड बीट का जीनोम है। ओके, और जो यहाँ पे फोर कॉपीज ऑफ राई की, फोर कॉपीज आप देख रहे हो, ये आर 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 आर, दैट इज राई जीनोम। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइजिनोम को। तो देखो यहाँ पे एलो पॉलीप्लॉइडी भी है, ब्रेड बीट के अंदर तीनों जीनोम के डिफरेंट है वो भी रिपीट हो रहे हैं, बट जो सेम टाइप वाला है जैसे राई का सेम ही तरह का है आर 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 आर, तो वो रिपीट हो रही है, देखो है कि नहीं। यस सर, उसमें सेम जीनोम है, इसमें एलो भी आ रहा है और ऑटो भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। और ये जो टर्म है ये सबसे पहले यूज की थी कॉस्टॉफ ने इन 1939। तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है पॉलीप्लॉइडी, एक तरह से ये टॉपिक खत्म हुआ है। बट अभी इस पॉलीप्लॉइडी में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस पॉलीप्लॉइडी जो हमने इतना सारा टॉपिक पढ़ा, ये पूरा जो टॉपिक हमने पढ़ा, इसका ये लिख लिया आपने, ये बताइए पहले। तो एक सेकेंड लो, ऊपर करेंगे। बिल्कुल, तो अब हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ पॉलीप्लॉइडी। अभी पॉलीप्लॉइडी में हमने पढ़ तो लिया है, ये पॉलीप्लॉइडी के फीचर क्या है। डेफिनेटली पॉलीप्लॉइडी जो है क्रॉप प्रोडक्शन में काम आती है, इसमें तो कोई इसमें दो राय ही नहीं है कि क्रॉप प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा तो डेफिनेटली जीन्स का भी नंबर बढ़ेगा, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, वेजिटेटिव पार्ट्स की एनलार्जमेंट करता है। देखो ये एनलार्जमेंट करता है, नंबर ऑफ ग्रेन्स जो होते हैं ना, जैसे वीट के अंदर नंबर ऑफ ग्रेन्स क्या है, बढ़ जाते हैं, इसको गिगास इफेक्ट बोलते हैं। तो जितना ग्रेन्स का नंबर बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन पावर गेहूं का या कोई भी अदर क्रॉप है उसका बढ़ जाएगा। तो एनलार्जमेंट ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट पॉलीप्लॉइडी की वजह से बढ़ता है, इसको गिगास इफेक्ट भी बोलते हैं। जायंटिज्म भी बोलते हैं। देन सेकेंड, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, कुछ फायदे भी हो सकते हैं इसके। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज of cell, water content is increased. Water content is increased, which leads to
डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर. Due to which cold and frost resistance decrease in them. इसकी वजह से ये नुकसान हो गया, देखो क्लोरीडी का. Yes sir. तो cold और frost resistance decrease हो जाती है इनके अंदर पॉलीक्लोरीडी की वजह से. और थोड़ा सा इनका जो ग्रोथ रेट होता है वो स्लो होता है, स्लो ग्रोथ रेट. ड्यू टू डिक्रीज्ड रेट ऑफ सेल डिवीजन, डिक्रीज्ड रेट ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, थोड़ी फ्लावरिंग भी डिलेड हो जाती है. तो ये फीचर हैं किसके, पॉलीप्लॉइडी के, पॉलीप्लॉइड प्लांट के. इनमें थोड़ी फ्लावरिंग डिले हो जाती है. अगर हम बहुत ज्यादा पॉलीप्लॉइडी करते हैं तो डेथ भी देखी जाती है, इवन डेथ अकर एट हाई प्लॉइडी लेवल. तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हाई प्लॉइडी लेवल का आपको ज्यादा से ज्यादा प्लॉइडी लेवल को नहीं बनाना है. ठीक है. यस सर. और स्टरिलिटी एंड पुअर सीड सेटिंग भी देखी जाती है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलीप्लॉइड. ठीक है. तो यहां से आगे हम एनिमल ब्रीडिंग का टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है ना.